प्रतीक्षा में है बहुत कुछ। हम कभी तो निकलेंगे धर्म के जंजाल से, जातियों के मोह जाल से, कर्मकांडों के माया जाल से, कि प्रगति सचमुच हमारी राह देखती है। पहुँचेंगे उस तक कभी हम, जाने किस सूर्योदय के सुनहले पंख लिए, होकर विजित जाने किन अस्मिताओं की कैसी लड़ाइयों में, जो उभरती ही रहती हैं निरंतर शांति के पटल पर। अकारण और प्रतीक्षा में है एक समूची विकास गाथा, प्रतीक्षा में जैसे रुकी हुई कई सदियां, और जबकि न्यायोचित है उनका कहना कि अस्मिता का नहीं, फिर किस प्रगति का झंडा बुलंद करें हम, किस युद्ध ध्वनि को दें अपनी आवाज़ कि अगर जीत भी लिए हमने सब सप्तर्षि तारे सौर मंडल के, कि आकाश हमारा है, रोशनी हमारी अपनी, जीत लिए हमने सब उल्कापथ राजगद्दियों तक जाने वाले, और तैनात किए अपने लोग सब राजपथों पर, उनके बताए सब नुस्खों के मुताबिक आमूल बदल ली छवि अपनी, आकर विकास के नए आवरण के नीचे, जिसमें नई हिंसा थी, नया प्रतिशोध, नया प्रतिरोध, किसी दबे कुचले जनमानस का उद्गार नहीं था, जिसमें एक खामखाह की उठा पटक थी, जिसे बताया जा रहा था अवश्य एक स्वस्थ विकसित चेतना के लिए, और चुप के किसी ताले में बंद किया जा रहा था सवाल उस पहचान का, जिसके बिना होते अगर हम विजयी भी तो क्या होते, कौन होते, और होते भी कैसे विजयी, रहते प्रतीक्षा में सब प्रस्फुटन के खेतों जंगलों और उन सब बेनाम जगहों पर, जहाँ प्रकृति रचती है अपनी सृष्टि का आखेट, और जहाँ चप्पे चप्पे की मिट्टी पर उनकी माफिया है बंदूकधारी, उनकी फाइलों और टेंडरों में कैद लोगों के ढेर सारे विश्वास, आत्मविश्वास, पारंपरिक अधिकार, और प्रतीक्षा में सबके हिस्से की प्रगति बराबर बंटा न्याय, प्रतीक्षा में बहुत ढेर सारी मेधा कला गुण निपुणता सपने सहज सजग। दोस्तों, प्रतीक्षा में है बहुत कुछ, वाकई अभी भी है, ये संग्रह कुछ समय पहले आया, 3 साल में तो कुछ नहीं होता, आशा है आगे होगा, तब तक हम प्रतीक्षारत रहेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, आशा है कविता पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करें। ये संग्रह प्रत्यंचा आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, बोधी से मंगवा सकते हैं।